हेलो अस्सलाम वालेकुम, नेटफ्लिक्स में खुश आमदीद। तो खैर, ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या दिखाया जाएगा, जमदा अब क्या करने वाली है, उसकी अगली चाल कौन सी होगी, क्या चन्नार खान उसकी चाल को समझ पाएगा या नहीं। आज की वीडियो में ये सब करने वाले हैं हम लोग डिस्कस, क्योंकि जमदा अब ये चाहती है कि वो जल्दी ये खेल खत्म करे और चन्नार खान का खात्मा करे। जमदा को मोबाइल पे बात करते हुए बादल से देख लिया जाता है। बादल ये बोलेगा कि हमारे पास अब वक्त कम है और जमदा बोलेगी जल्दी कुछ करना पड़ेगा। जमदा और बादल एक और प्लान बनाएंगे और इसी दौरान बरेरा चुप करके कमरे में दाखिल होती है और वो जमदा की सारी बात सुन लेती है। जमदा उसको देखकर घबरा जाती है और जल्दबाजी में मोबाइल बंद कर देती है। इसी दौरान बरेरा एक जोरदार थप्पड़ सारी बातें सुनने के बाद जमदा को मारती है। बरेरा को पहले कुछ वाइब्स थी, लेकिन अब इस पॉइंट पे उसको बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये सारा कुछ करने वाली जमदा ही है। और इसके बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा बहुत ही इमोशनल सीन। बरेरा बोलेगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मतलब चन्नार का जो बच्चा था इसकी जान भी तुम्हारी वजह से गई, फिर चन्नार के भाइयों की जान भी तुम्हारी वजह से गई और बाकी लोग जो मर रहे हैं वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। बरेरा पूछेगी जमदा से क्यों तुमने ये सब कुछ क्यों किया, इसकी क्या वजह थी, और उसके बाद जमदा फुल ऑन फटेगी बरेरा के ऊपर और जमदा बरेरा को चुप कराने के लिए ऐसी लॉजिक देगी कि डेफिनेटली बरेरा आगे से चुप कर जाएगी। यहाँ पे बरेरा हो जाती है जी सोचने पे मजबूर, क्या जमदा सच कह रही है, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी टाइम में जमदा चलेगी अपनी अगली चाल जो कि पहले ही वो प्लान कर चुकी थी। नेक्स्ट आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जमदा जाती है चन्नार खान के पास और अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार करती है, उसको यकीन दिलाती है कि वो सच में उससे प्यार करती है और वो उस पर शक करता है। जमदा इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ आखिरी पत्ता बाकी है, और बोलेगी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बादल को पकड़वाने के लिए, डेट्स माई ऑब्जर्वेशंस। और दूसरी तरफ बादल के साथ सारी प्लानिंग हो चुकी होगी और जमदा उसको यही समझाती है कि तुमने अपने आप को ऐसे एक्सपोज करना है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और जमदा इतने आराम से पकड़ी जाती है और मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा है जो कि जमदा इतने आराम से पकड़ी गई। हो सकता है कि चन्नार खान खुद यकीन कर ले कि वाकई ही बादल ऐसा नहीं है, और दूसरी तरफ बरेरा मदद करेगी जमदा को घर से भगाने के लिए। और अब जो मेन काम बचा है वो जमदा का ये है कि उसने चन्नार खान को खत्म करना है, लेकिन यहाँ पे उसका तीसरा बेटा भी अभी बचा है। मुझे कुछ सीन देखने के बाद वाइब्स ऐसी आ रही है कि जमदा खुद ही चन्नार के छोटे बेटे को भी खत्म करेगी और इसके बाद इस घर में आएगी एक और क्यामत, सब कुछ खत्म हो जाएगा और लास्ट पे बचेगा चन्नार। और एट दी एंड आपको जमदा को चन्नार को खत्म करते हुए दिखाया जाएगा किसी स्पेसिफिक प्लेस पे। ओके जी, तो आज की वीडियो यहीं पे करती हूँ मैं वाइंड अप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक देन अदर वीडियो। थैंक यू।